दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये प्लांट सिलोसिया का प्लांट्स है जो काफ़ी रंगों के आते हैं, येलो, ऑरेंज वगैरह। और ये जो प्लांट है मेरे पास दोस्तों, ये पूरे साल खिलते हैं। ये जो विंटर में कुछ ज़्यादा अच्छे आपको दिखेंगे, तरोताज़े और अच्छी तरीके से खिलते हैं, गर्मियों में कम लेकिन खिलते ज़रूर हैं। तो इसे लगाइएगा कैसे, ये देखिए, मैं इसमें आपको बहुत सारे पॉट्स दिखाऊंगी, जिसमें थोड़े से छोटे हैं, बड़े हैं, बीजों से मैंने कैसे उगाया है, सारे चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया। तो मेरे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ बने रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और अच्छी अच्छी कमेंट भी भेजें दोस्तों। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है सिलोशिया का, ये थोड़ी नुकीली टाइप की होती है, ऊपर देखिए पॉइंटेड होती है और काफ़ी वैरायटी में आती है। तो मेरे पास ये मरून कलर की है, मेजेंटा जो कलर है वो इस कलर की, और मैं इसी से काफ़ी बना और भी बहुत सारे पौधे तैयार की हूँ। एक मदर प्लांट थी और उस मदर प्लांट से मैंने छोटे छोटे, ये देखिए बीजों से मैंने कितने छोटे छोटे ये सिलोसिया के पौधे जो है तैयार किए हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये है जो सिलोसिया के हैं। और ये देखिए मदर प्लांट है जिसको, जो सूख चुकी है बिल्कुल, और इसे इसी में से बीज जो है, इसमें फेदर जो टाइप के होते हैं दोस्तों, उसके अंदर सीड होते हैं और उस सीड से मैंने इसे ग्रो किए हैं। अब मैं आपको सीड दिखा देती हूँ कि सीड इसके जो है तो बहुत महीन बारीक सी सीड होती है, राय के दाने से भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत चमकीले होते हैं उसके जो सीड होते हैं। इस सीड को आपको क्या करना है, निकाल लेना है, धीरे धीरे निकाल लेना है। और ये जो होती है ब्लैक कलर की होती है सीड, आप मेरे हाथों में देख रहे होंगे कि सीड कैसे किस तरीके होते हैं, बहुत छोटे से बारीक से आपको दिख रहे होंगे। ये जो काले छोटे से दाने हैं, इन दानों को आप देख सकते होंगे कि काफ़ी छोटे छोटे हैं। और मिट्टी जो लीजिएगा दोस्तों, वो मैंने प्लेन मिट्टी और बालू, थोड़ी सी उसमें हल्की सी काउडंग मिलाई हुई है बस उसी में, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिए हैं। उस मिट्टी में आपको इन बीजों को धीरे धीरे स्प्रिंकल कर देना है। हालांकि मैंने इसमें कुछ स्प्रिंकल किए थे, कुछ मैंने ऐसे ही इसे फेदर को तोड़ के डाल दिए हैं, जो मैं आपको दिख रहा होगा उस पॉट में साइड में फेदर पूरे गिरे हुए हैं और उसी में से निकलते रहेंगे। फिर मैं इसे अलग कर करके अलग पॉट में इन पौधों को लगाऊंगी। अभी ये बहुत छोटे हैं दोस्तों, लगभग ये जब 2 इंच के लगभग बड़े होंगे, 1.5 या 2 इंच के लगभग ये पौधे, तभी मैं लगाऊंगी। देखिए मैं क्लोज कर रही हूँ, देखिए उसमें देखिए आपको सीड लगे हुए दिख रहे होंगे। ये सीड जो है, देखिए ये छोटी पत्तियाँ जो निकली हुई और सीड लगे हुए हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपके छोटे छोटे पौधे निकल के तैयार होंगे, हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको और भी मैं छोटे छोटे पौधे दिखा दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। कई में छोटे सीड अभी तक लगे हुए हैं, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि देखिए ये जो है सिलोसिया के ही पौधे हैं। और जब निकलने के बाद ये कैसे दिखते हैं, देखना आपके लिए ये दिखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी दूसरे पॉट में आप इसे जंगली मतलब जंगली पौधा समझ के उखाड़ के ना फेंक दे, देख लीजिए किस तरीके से देखने में लगते हैं। अच्छा देखिए, ये फेदर टाइप का जो है उसे मैं यहाँ पे फेंक चुकी और यहाँ से भी काफ़ी सारे पौधे निकल रहे हैं। और आपको करना क्या है, उसके पौधे को अलग करके फिर आपको लगाना है। तो दोस्तों, आप अगर जिस भी पॉट में लगाए तो पॉट की मिट्टी वही रखिए जो आपकी गार्डन सॉइल है, उसमें थोड़ी काउडंग मिक्स कर लीजिए और बालू की मात्रा, इसकी जो मिट्टी है ना थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए दोस्तों, तो पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसके छोटे छोटे सीडलिंग्स देखिए निकल चुके हैं। और आप देखिए, मैं जब ये बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए, तो मैं इसमें अलग की, देखिए इसमें क्या है, फ्लावर आ चुके हैं और इसके फ्लावर कितने अच्छे लग रहे, थोड़े पॉइंटेड टाइप के फ्लावर हैं, पूरे साल खिलते हैं दोस्तों, बरसात में भी और गर्मी के मौसम में भी। ये देखिए इस तरीके से आपके ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन और मरून कॉम्बिनेशन है। तो और देखिए छोटे से गमले में मैं लगाई हूँ। अच्छा हाँ, और एक चीज़, एक एक पौधा ना लगाए दोस्तों, एक साथ 3 या 4 पौधा मैं छोटे से गमले में लगाई हूँ तो बहुत घने हो जाते हैं
और आप क्या कीजिए, जब थोड़े छोटे रहेंगे तो आप उसकी जो टिप्स है ना, पिंचिंग कर दीजिएगा थोड़ी। पिंचिंग करने से क्या होगा, ये देखिए कितने घने हो जाते हैं और पूरे जो पॉट है ना वो भर जाते हैं, तो पिंचिंग भी करना इसमें ज़रूरी है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मान लीजिए आपके अभी आपने नए पौधे लाए हैं और आपको उससे और दो तीन पौधे बनाने हैं, तो आप उसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, मैंने कटिंग से भी ग्रो करके देखे हैं, तो वो कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। बरसात के मौसम में आप आराम से उसकी कटिंग कीजिए और कटिंग को लगा दीजिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास दूसरे कलर की भी है तो उससे भी आपके और भी पौधे बन जाएंगे, और पौधे बनने के बाद बीज तो मिल ही जाएंगे। ये देखिए, ये जो जगह आप दिख रहा है दोस्तों, ये नीचे ये फेदर टाइप का, यहाँ पर जो है ना वो बीज बनना शुरू होते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये फेदर टाइप की जो जगह है ना, यहीं पे छोटे छोटे काले काले जो बारीक सी बीज होती है, यहाँ बीज बनते हैं, और वही जब सूख जाएंगे तो आप उसे डाल दी, नहीं तो ये खुद भी स्प्रिंकल हो जाते हैं अपने से, फट के वो मिट्टी में गिरेंगे और आप देखेंगे इसमें कितने पौधे निकल रहे हैं। ये भी मैं आपको एक पॉट में दिखा देती हूँ कि मैंने वहाँ पे खुद ब खुद वो स्प्रिंकल हुए हैं, और वहाँ से कितने सारे पौधे, पुराने पौधे भी मेरे उसमें हैं और उसमें से साइड से उसके नए पौधे भी निकल रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ तरह की डिटेल्स मिल जाए। देखिए ये पौधे हैं, अब आप सोच सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ रेड है लेकिन इसके पहले वाले की ग्रीन थी। देखिए मैंने यह कटिंग किया तो इसके ब्रांचेस निकले हैं और साथ में साइड में छोटे छोटे हैं, तो पत्तियाँ रेड इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे धूप थोड़ी कम लगती है। तो अगर आपको पत्तियाँ रेड रखनी है तो आप क्या कीजिए, इसे धूप, सुबह की धूप लगाइए लेकिन शाम की धूप, इसे दोपहर की धूप ना लगाइए। तो देखिए इसकी पत्तियाँ रेड रहती है और जो फ्लावर है वो तो मैजेंटा कलर की है ही, और अगर ऐसे धूप अगर मिल जाए तो इसमें क्या होगा कि पत्तियाँ इसकी ग्रीन रहेगी और जो फूल की, जो फ्लावर की कलर है वो तो रहेगी। और इस तरीके से दोस्तों सिलोशिया लगाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आशा करती हूँ दोस्तों मैंने जो आपको समझाया है तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पौधा लगाना बहुत आसान है, सालों साल चलने वाला पौधा है। एक ही प्लांट में खरीदी थी और देखिए एक प्लांट से मैंने कितने सारे प्लांट्स कितने सारे पॉट में लगा के तैयार कर लिए हैं। ये बगल में गेंदा के, ये भी पिछले साल के ही पौधे हैं, तो इस तरीके से लगाइए दोस्तों। और आप अभी अगर नर्सरी में जाएंगे तो आपके तरह तरह के कलर के ये सिलोसी आपको मिल जाएंगे, और इस बार तो थोड़ा सा हम लोग के यहाँ पर भी फ्लावर्स की थोड़ी कमी है नर्सरी में, तो इसीलिए मुझे दूसरे कलर के नहीं मिले। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय माता दी फ्रेंड्स। Thank you.